कहते हैं हर जगह की एक कहानी होती है और हर जगह अपने आप में खूबसूरत होती है। वैसे ही कहानी है जैसलमेर की, द गोल्डन सिटी। अगर आप सड़कों पे निकलो या लोगों से बात करो तो आप इनके कल्चर के बारे में और जानोगे। और आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ, एक होम स्टे और वहाँ का कल्चर और गढ़ीसर लेक। सो चलते हैं व्लॉग की तरफ। Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel. This is the place where I'm staying. Isn't it beautiful? I already showed you my room. Yesterday night mein aaj main aapko room bat dikhaungi aur apna room ka rate bhi bataungi. Upar abhi stairs aur chhat hai upar ki taraf and this is the amazing property. Matlab ye mano ye homestay hai basically. Agar main iske andar matlab you know एंटर करना चाहती हूँ तो मुझे इस गली से आना पड़ेगा। पार्किंग बाहर ही है, पार्किंग सेफ है आपकी। सो विद द वाइब्स ऑफ दी जैसलमेर प्रॉपर, लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ होम स्टे विद दिस काइंड ऑफ वाइब्स, इट्स काइंड ऑफ परफेक्ट फॉर यू। सो आपको बेसिकली घर के हाथ का खाना मिलेगा और मैंने बन रहा है आज पोहा। बेसिकली होम अच्छा भैया बनाए थे, अच्छा व्रत है तो इसलिए बनाई थी। किस चीज का महाशिव आज क्या है? गुरुवार का व्रत है। नाश्ते में है पोहा, पापड़ की सब्जी एंड आई वांट टू ट्राई दिस लोकल सब्जी एंड आई वांट टू टेल यू है कैसे। सो आई एम नॉट श्योर, पापड़ की सब्जी मेरी नानी के घर देखी है मैंने, पोहा के साथ मिक्स हो गया, मैं अक्सर लेती हूँ। इट जस्ट पापड़ ही है, पापड़ को रोल करके आई डोंट नो कैसे बनती है बट इसके अंदर तीखापन है, मतलब लोकल मसाले बहुत सारे हैं बट ये यमी है। सो गाइस दिस प्रॉपर्टी में मैं हूँ, पीछे बिल्कुल गांव वाली फीलिंग है उसके साथ तबेला नहीं, इट्स ऑसम। मुझे ही देख रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड प्लस ये छत है, कपड़े टांगने की जगह है। एंड अगर मैं नीचे चलूँ तो यहाँ पे तीन कमरे हैं फिलहाल होम स्टे में और आपको मैं दिखाई चुकी हूँ जो घर का खाना है। और ये सामने झूला, नीचे उतर के ये ओरिजिनल नहीं है झूला है। एंड इफ आई ओपन दिस रूम, दिस इज द फर्स्ट रूम एंड यू नो घर वाली पूरी वाइब्स, इवन दो अगर आप टेक हो तो गांव का टच है पूरे इसमें एंड द वॉशरूम विद एवरीथिंग यू नीड, द ऑल द एक्सेसरीज, ऑल द यूटिलिटीज, नाइस। देन वी मूव टू सेकेंड रूम, इसको पहले बंद कर देते हैं देन चलते हैं सेकेंड रूम की तरफ। दिस इज़ दी अदर रूम, मेरा तो रूम मेस्ट अप है एंड दिस इज़ दी सेकेंड बेस्ट रूम ऑफ दिस प्लेस। मेरा तो फर्स्ट बेस्ट है एक्चुअली, मतलब ये बीच का है। सो दिस आई लव सो मच, अगेन विद ऑल द यूटिलिटीज ऑफ द वॉशरूम। यार ये कितना क्यूट सा लग रहा है एंड प्लस सामान, हाथी तो सिंबल ऑफ लव होता ही है ऑब्वियसली यू नो, अगर आप आ रहे हो नहीं, सिंबल ऑफ लव होता है घोड़ा, सक्सेस होता है घोड़ा, हाथी होता है लव और मेरा रूम बहुत प्यारा हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा समेटना पड़ेगा देन ओनली आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज़ माय रूम जो समेटा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एनी वेज, ये मेरे ही कपड़े जो बिखरे हुए हैं, ये मेरा ही सामान है जो रखा हुआ है और वो बाथरूम में मेरे कपड़े सारे बिखरे हैं। सो कल अगर आपने मेरी वीडियो चेक करी हो तो आपको कल मेरा रूम की बेटर तस्वीर मिल जाएगी। दिस इज़ मेरा हाल, क्योंकि मेरे कल जो ड्रेस थी वो डेजर्ट में गंदी हो गई थी बट दिस इज़ द थर्ड बेस्ट, बट दिस इज़ द थर्ड बेस्ट रूम ऑफ, मतलब फर्स्ट बेस्ट रूम और सबसे बड़ा रूम यहाँ का। यार यहाँ मतलब यू नो पूरी गाँव वाली वाइब्स, अगर आप बाहर झाँक के देखो और इस चीज़ की खिड़की तो खुली जाएगी, तभी मेरे सारे अप्लाइंसेस चार्जिंग पर ही हैं। लुक एट दोस, क्यूट नहीं है?
एंड पिक्चर्स तो बहुत ही क्यूट है। सो गाइस मैं जा रही हूँ नेक्स्ट जगह। मुझे पता है मैंने पोस्ट किया था पता है आज की इंस्टाग्राम पे कि मैं फोर्ट जाऊँ या फिर कोई कैफे जाऊँ। सो दोनों का ऑलमोस्ट द सेम रिप्लाई है। सो मैं जा रही हूँ एक जगह गडीसा लेक। आई नो हॉन्टेड प्लेस अभी रहती है। मैं स्टे कर रही हूँ भीम कॉटी के साथ जो कि एग्जैक्टली यहीं पर है और होम स्टे है। सो मुझे यहाँ से लगेंगे अराउंड पहुँचने में गडीसा लेक अराउंड 15 मिनट्स। 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, 15 से 20 मिनट हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड है मार्केट की। तो मैं देखती हूँ किस तरह से रोड निकलती है, बट मैं जा रही हूँ गाड़ी में बिकॉज ऑलरेडी रिलैक्सिंग मूड पर हूँ और बहुत सो चुकी हूँ, बहुत नींद आई हुई थी। फीलिंग सो मच टायर्ड। ये आप लोगों का गडीसा लेक एंड मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ। आई डोंट नो मैं बोटिंग करूँगी कि नहीं, मेरे पास कैश नहीं है इस वक्त क्योंकि ऑलरेडी बड़ी बजटेड ट्रिप सोच कर आई थी, बट यू नो एक प्रॉब्लम की वजह से बजटेड ट्रिप ऐसा होता है। वैसे तो हमें एक्स्ट्रा बजट रखना चाहिए ट्रिप को लेकर कि प्रॉब्लम आ सकती है, ऑब्वियसली एक बैकअप होना चाहिए। CCD फाइनली CCD बड़े हैं। CCD नहीं होगा मुझसे पूछ लो यहाँ पे। सो गडीसा लेक के बारे में क्या है, क्या हिस्ट्री है नीचे जाके पता चलेगी। इवन एंट्री का मुझे नहीं पता कि एंट्री की टिकट्स हैं कि नहीं है क्योंकि यहाँ से तो मुझे एंट्री टिकट्स दिख नहीं रही है। वो कहते हैं शाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ का, पर हम नीचे जाके फोटोग्राफी करते हैं। वैसे मैंने कुछ खाया नहीं है सो आज कुछ खाते हैं। अच्छा पता है रियलिटी यहाँ पे शूट्स लेने के तो इतने लोग और आई गेस यहाँ पे बोटिंग है, अंदर आने कोई चार्जेस नहीं है एंड बेसिकली यहाँ पे सन के शॉट्स बहुत प्यारा थे इस टाइम पे। एंड पता लोग लिटरली शॉर्ट्स लेते हुए भी पता नहीं क्यों देख रहे थे आज, आई एम नॉट श्योर। मैं तो साफ बोल दिया आने दो शॉर्ट्स के अंदर, बट आई एम रियली हंग्री। कुछ खाते हैं यार पहले। ऊपर से क्या देख रहे हैं, शूटिंग देख रहे हैं? कोई शूटिंग नहीं हो रही। माई गॉड ऊपर देख रहे हैं हम लोग कितने लोग बैठे हुए उस जगह पर, अगर आपकी विजिबिलिटी जाए लाइक एग्जैक्टली यहाँ पे। सो गाइस ये है हालो कैफे, बट पता है यहाँ पे अभी ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं इसकी हद नहीं और मेरे को कॉपीराइट आने में एक सेकंड नहीं लगेगा। मेन्यू मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। मेन्यू कुछ यहाँ पे रखा मैंने। एग्जैक्टली सो दिस इज़ द मेन्यू। कॉपीराइट ना आ गया मेरे ऊपर। सब सस्ता है, सिर्फ पास्ता महंगा है जो मैंने ऑर्डर किया है, बाकी सब 200-250। वही मार्गरिटा भी है, पिज्ज़ा वो भी सस्ता है, भैंस का पास्ता ही महंगा है। मेरे को पास्ता ही खाने की पड़ी थी। और कोल्ड कॉफ़ी कितने की है? मैं कोल्ड कॉफ़ी पी है, कोल्ड कॉफ़ी इज़ 180। ये फूड सर्व करते हैं, ये टिफ़िन बॉक्स में करते हैं कुछ इस तरीके से एंड व्यू के साथ। मतलब इनका मुझे लग रहा है कि ऊपर भी बन रहा है फ्लोर और आई गेस थोड़ा टाइम में रेडी हो जाएगा, फिर आप पूरा व्यू इन्जॉय कर पाओगे। आई गेस यहाँ पे अच्छा क्राउड आता है। एक बार ना यहाँ वेटर आते हैं तो उनसे बात करते हैं बिकॉज अभी मालिक तो होगा नहीं ऑब्वियसली बात करने के लिए, तो एक बार पूछते हैं यहाँ पे कैसा क्राउड आता है और ये कैसा रहता है और यहाँ की यहाँ पे मतलब इसकी स्पेशलिटी क्या है। होटल से आपका नाम क्या है? मतलब होला से अशोक कुमार है। अशोक कुमार यहाँ की मतलब स्पेशलिटी क्या है, इस जगह की स्पेशलिटी क्या है? हाँ थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, नहीं पता। ओह केयरफुल गाइस केयरफुल। नहीं पता आपको स्पेशलिटी यहाँ की? नहीं आपको पता है यहाँ की स्पेशलिटी? अच्छा नहीं 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 हुआ, आप शूट गिरते हो टेंशन मत लो, बल्कि बचाते हुए शूट हुए हो। चलो आप बता दो कब तक, कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? 3 महीने हुए हैं। वैसे आप हो कहाँ से? तो यहाँ पे जो होला रेस्टोरेंट है यहाँ पर नॉर्मली रोज कितने लोग आ जाते हैं? 50-60 लोग आ जाते हैं। अच्छा कभी ज्यादा आते हैं, सैटरडे संडे होता होगा वीकेंड्स में। अभी लाइटिंग होगी यहाँ पे और वहाँ पे वो वाटरफॉल का मतलब वो होता है। कितना बजे होता है वो? 7-10 बजे होगा। 7 बजे से आधा घंटा चलेगा, मतलब मैं यहाँ बैठ सकती हूँ और इंजॉय कर सकती हूँ। ठीक है पक्का? चलो मैं आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग करूँगी और आपको ऐड करूँगी। थैंक यू सो मच अशोक जी।
आप ऊपर वाले फ्लोर पर आते हो ना, यू विल फाइंड ऊपर बजाज का स्कूटर खड़ा हुआ है चेतक, इट्स ओल्ड स्कूटर यू नो, एंड दिस इज द व्यू राइट नाउ, इजंट इट्स ब्यूटीफुल, लाइक नॉट दिस बट द व्यू। सो नीचे चलते हैं, अभी शो स्टार्ट होने वाला है 10 मिनट में, आई शो यू द शो। पर पर्सन के हिसाब से अच्छा, बड़ी बोट का 1000 रुपए, एक बंदे का भी, एक बंदे का 1000 रुपए, अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो गाइस अगर आपने पैडलिंग करनी है दोस्तों, क्या वीडियो बना रही, हाँ वीडियो बना रही हो आपकी, देख लेना रात को, कल सुबह रिलीज हो जाएगी, शुक्रिया। तो गाइस ये वाली बोट के 1000 रुपए, पैडलिंग वाली बोट के 200 रुपए, और शो अगर आप देखना चाहो तो इट्स गोइंग ऑन देयर वाटर, मतलब पता है मैंने सिंगापुर में देखा था तो उनका कम से कम इससे ट्रिपल या चार गुना स्केल था, वो भी वाटर शो था, एंड दैट वाज सो समथिंग वेरी अमेजिंग। बट इन्होंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्राई करी, दैट इज़ लाइक ऑसम, दिल्ली में ऐसा कुछ कोई ट्राई करता है तो आई गेस नहीं, जो हमारा अक्षरधाम में वो ऐसा नहीं होता, कैसा होता है मुझे कमेंट करके बताओ। सो आज रात का डिनर है, दिस इज़ पुलाव, दिस इज़ यहाँ की लोकल सब्जी, एंड दिस इज़ आई डोंट नो वाली सब्जी, आई थिंक सो, इसके अंदर ये आंवला है, हम पूछ ही लेते हैं आंटी जी। हाँ? एक मिनट सुनो, और ये लस्सी है मीठी वाली, बढ़िया दही दही लग रही है, बड़ी लस्सी है, पता है यहाँ का लोकल अचार बहुत अच्छा है। आ जाओ, ये सब्जी किस चीज की है, ये लोकल है यहाँ से? नहीं, ये टमाटर की है, टमाटर आता है ना, हाँ उसकी है, मिर्ची की टमाटर है, ये कच्चा और मिर्ची टमाटर है। हाँ। मतलब मेरा गैस ही गलत था, देखो मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और ये क्या बना रहे हो आप? ये तो सुबह की सब्जी है, सब्जी है बड़े की, तो अभी ये क्यों नहीं खा रहे आप, आपके सुबह की सब्जी खा रहे हो? नहीं, हमारे तो बनाई हुई है। अच्छा बनाई हुई है, अच्छा तो आपने क्या बनाया? चने की दाल, चने की दाल बनाई है। नहीं मैं टमाटर की सब्जी ना, मैं ट्राई करूँगी, ये कच्चा टमाटर है हम, अच्छा मैंने कभी कच्चा टमाटर की सब्जी। सो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जो आज आपने प्रॉपर्टी देखी है भीम कोठी, मुझे कमेंट करके बताओ कैसी है, कैसी लगी। और दूसरी चीज़ अगर आपको रेट जानने हैं तो वो INR मतलब इंडियन करेंसी 2000 से स्टार्ट है, और डिपेंड करता है आपके सीजन के ऊपर, क्योंकि जब सीजन होता है तो रेट्स डिफरेंट हो जाते हैं। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग माई व्लॉग। और अगर आपने कुछ पूछना तो कल व्लॉग्स में 2 मिस्टेक हुई हैं प्रोनंसिएशन की, चेक करके बताओ क्या मिस्टेक्स हुई हैं। अगर आप बता पाए, ऑब्वियसली आप भूल चुके हो एक चीज़, शायद मैंने बोला था जब मैं 5000 सब्सक्राइबर टच कर लूँ तो एक गिव अवे, और गिव अवे क्या है कि मैं आपको एक टूर स्पॉन्सर करूँगी, चाहे वो कपल हो चाहे सिंगल हो, चाहे आप मेरे से ट्रैवल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो 5000 सब्सक्राइबर मैंने जल्दी टच कराओ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।